जिसके 60 रिसर्च प्रोडक्ट्स थे, उसमें मैं 10 साल रहा और उसका टॉपर रहा करता था। तब मेरे दिमाग में आया कि हम क्यों विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, भारत की कंपनी क्यों नहीं हो सकती। तब हमने मोरपेन लेबोरेटरीज नाम की एक कंपनी जीरो से लगाई और आप सबने उसका नाम सुना होगा। पूरे भारत में लॉन्च करने में मैं सब जगह गया और 10 रुपये का शेयर 1250 तक गया। उसके बाद डाबर के मालिक से बात हुई तो डाबर के 2 डिवीज़न मैंने पूरे भारत में लॉन्च किए और उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के यहाँ मुझे आयुष के ही विभाग में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। मेरे 35 साल पूरे दवाई इंडस्ट्री में बीते। मैं आपको एक बार बताऊं कि डॉक्टर पता नहीं कब MBBS MD करके आता है, वो जब पढ़ के आया तब वो दवाई नहीं थी और जब बीच में वो दवाई आती है तो उसको हमें पूरा डिटेल बताना पड़ता है किसके क्या साइड इफेक्ट हैं, कितना डोज देना है, कैसे देना है, कब देना है, कब नहीं देना है वगैरह, ABC सारी चीज़ों की हमें जानकारी है क्योंकि डॉक्टर्स को हम जाके पढ़ाते थे। अभी इत्तेफाक की बात है कि 5 जनवरी को, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, मैं अपनी मीटिंग्स में दिखाता हूँ। 5 जनवरी को महिला आयोग की अध्यक्षा के साथ हमारी मीटिंग थी पुणे में, मुझे मेरे मित्र लेके गए, बाई कार गए हम वहाँ, मीटिंग उनके साथ हो गई, दूसरी मीटिंग चल रही थी, अचानक मेरे को हृदय में दर्द होना शुरू हो गया और धीरे धीरे वो इतना बढ़ गया, मैंने थोड़ी दवाई बाहर से जाके ले ली, बाहर मेडिकल स्टोर पर, लेकिन हालत ये हो गई कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा, दर्द में तड़पड़ा रहा था पूरी तरह से। वो लोग इत्तेफाकन जिसके साथ मीटिंग चल रही थी वो मेडिकल कॉलेज के मालिक थे, बैरिस्टर पेलुस्कर साहब, तो वो मुझे लेके गए, उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मेरी सारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, सारा ECG और सारी चीज़ें लगातार चलती रही और मैं मरने की कगार पे था, ऑलमोस्ट मर चुका था, लेकिन मुझे वहाँ जिंदा ऊपर वाले ने रखना था, मैं आ गया। मुझे डॉक्टर्स ने कहा था 4-5 महीने लगेंगे नॉर्मल होने में और आपको एंजियोप्लास्टी इमीडिएट करानी है। मैं घर पे आके और शांति से पड़ा हुआ था, कुछ कर नहीं पा रहा था और बहुत प्रॉब्लम में था। ऐसे में अचानक मेरे घर पे 2 जने आए, एक के कभी किसी की मैंने मदद की थी, वो एक महिला को लेके आए, उनका नाम था, यहीं पे वो हैं, मैं बताऊँगा आपको। तो मेरे घर पे उन्होंने आके मुझे इसके बारे में बताना शुरू किया, इस प्रोडक्ट के बारे में। अब मैं कैसे इसको ले रहा था, क्योंकि हर एक जना उसको मैं करके समझता है कि ये मेरे को पढ़ा रहे क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री का आदमी, पर वो जो चीज़ें बता रही थी इस प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं यहाँ से कन्विंस हो गया, ठीक है, कि भाई हाँ बात तो ये सही कह रही, क्योंकि साइंटिफिकली इसमें कोई कमी निकाल ही नहीं सकते आप, परंतु मैं यहाँ से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और वो मेरे को ज़बरदस्ती की नहीं सारी ये लेना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट मुझे दिया गया, ये पूरा सेट मैंने ले लिया और 2 दिन वो घर में पड़ा रहा प्रोडक्ट। पर जैसा हर घर में होता है, पत्नी डांट लगाती है ना, तो ऐसे मुझे डांट पड़ी कि नहीं आपको भी लगाना चाहिए जब लिया है, तो वो मैंने यूज़ करना शुरू किया। आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे इसमें, देखिए मैंने प्रोडक्ट कब लिया है, 6 फरवरी को, और मैं यहाँ पर 17 फरवरी को दौड़ता हुआ आया, क्योंकि इन 10 दिनों में मेरे अंदर जो परिवर्तन आया वो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ गया। जो आदमी मौत की कगार पे हो और वो भी फार्मा इंडस्ट्री में रहा हुआ, मैं आपको कभी मेरे फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, हर राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ, हर राज्य में मुख्यमंत्रियों ने मेरा सम्मान किया है, मेरे को हमारे राज्य मतलब इस जो नेशनल गवर्नमेंट है उधर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मेरे को सम्मानित किया मेरे कार्यों की वजह से। तो मैं इसमें मास्टर था, लेकिन मैं मास्टर भी एक बार को समझने में ना गलती करता है, इस चीज़ को लाइटली लेता है, परंतु अब मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है कि मैं इस प्रोजेक्ट को खाली इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे पैसा कमाना है, मैं इस उद्देश्य से करूँगा कि मेरे साथियों की हेल्थ, मेरे जितने मित्रगण हैं, रिश्तेदार हैं, उनके परिवार में कोई भी बीमार हो तो उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, अगर आप स्वस्थ हो तो बीमारियों को कैसे दूर रखा जा सकता है। ये ई बायोटोरियम जो है,
ये एक ऐसा मिरेकल कर गई है कि पहली बार भारत का एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट आज विश्व में धमाके मचाने जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इसको आप भी इस उद्देश्य से मत करिए कि पैसा कमाना है, अरे ये तो इससे बड़ी समाज सेवा कोई नहीं है। अगर हम जाकर के इसके बारे में लोगों को बताते हैं और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उनने भी यूज़ कर लिया, तो हम बाकी लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं। ये सबसे बड़ा नेक कार्य है और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसे आते जाते हैं। मैं तो विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मैंने 17 तारीख को ये चीज़ स्टार्ट की है और आज आप देखिए कितना 22 दिन हुए हैं और मेरे अकाउंट में धम 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 पता नहीं कहाँ से टपक रहे हैं। और मेरे घर पे मैं रोज़ाना मीटिंग कर रहा हूँ इसके लिए। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जिनके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हैं, आइए ग्रुप बनाइए और वो जो कम्युनिकेशन में अच्छे लोग हैं उनके सामने उनको बिठा दीजिए और करिए काम। अपने नीचे तो आप 2 ही बना सकते हैं, ठीक है, जितनी भी आईडी बनाई है आपने 2 के बाद में क्या करना है, नीचे वाले का बढ़ाना है हमने। तो आज मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं तो मैं अपने नीचे तो नहीं जोड़ूंगा ना, वो सारा चेन ऑटोमेटिकली जुड़ती जा रही है बिकॉज द प्रोडक्ट इज लाइक दिस। अगर एक बार किसी ने यूज़ कर लिया, मेरे जैसा आदमी जो कभी किसी की नहीं सुनता था और बड़ी मैं रहता था कि साहब मैं तो इस फील्ड का पता नहीं क्या हूँ, लेकिन जब मैंने इस प्रोडक्ट का वो मिरेकल देखा I was really astonished and this is the thing which we are now looking for. Let us go all out. आज मैं सलूट करता हूँ हमारे डॉक्टर सागर जोशी जी के लिए जिन्होंने इतनी महत्वाकांक्षा भरी हुई चीज़ को और इतने उद्देश्यपूर्ण चीज़ को आगे ला के रख दिया है, जिसमें हमारे को बाकी MLM कंपनियों की तरह नहीं कि हर साल रिन्यूअल करना है कि ये करना है कि वो करना है। लोग पहले ही MLM के नाम से दूर भागते हैं, लेकिन ये MLM नहीं है, आप प्लीज़ पहले से ही क्लियर मत कीजिए। God bless you. Thank you very much. आगे बढ़िए और इसको आगे देखिए।